सब्सक्राइब कीजिए रॉयल टीचर को एजुकेशन संबंधी न्यूज तुरंत पाने के लिए। शाला दर्पण पर ऑनलाइन मॉड्यूल की हुई शुरुआत। स्टूडेंट विंडो, टॉक टू टीचर इंटरफेस तथा NICCI चैटबोर्ड का हुआ लोकार्पण। शिक्षकों को अब नहीं लगाने पड़ेंगे दफ्तरों के चक्कर। अंतिम वर्ष की परीक्षाओं को कराने पर जवाब दे UGC। रिटायर्ड होने वाले कर्मचारियों की सबसे बड़ी चिंता हुई खत्म। मोदी सरकार का नया तोहफा, रिटायरमेंट के बाद की समस्या का हुआ है निदान। जी हाँ साथियों, बात करें अपनी पहली खबर की तो शिक्षकों को अब नहीं लगाने पड़ेंगे दफ्तरों के चक्कर। ACP और वेतन नियमितीकरण के लिए शाला दर्पण से होगा ऑनलाइन आवेदन। शिक्षा विभाग में प्रोबेशन पूरा होने के बाद स्थायीकरण और ACP आवेदन की प्रक्रिया को ऑनलाइन कर दिया गया है। अब शिक्षकों को दफ्तरों के चक्कर नहीं निकालने पड़ेंगे। शिक्षक स्कूल से शाला दर्पण पर ऑनलाइन आवेदन करेंगे। संस्था प्रधान द्वारा CBO को वहां से DO आगे निदेशक को फॉरवर्ड होगा। सभी स्तर पर जांच होगी, कमी होने पर वापस लौटाया जाएगा या सही होने पर स्वीकृत होगा। स्कूल शिक्षा विभाग में कार्यरत कार्मिकों के सेवा संबंधी कार्यों के ऑनलाइन समाधान के लिए पूर्व में शाला दर्पण पर मॉड्यूल तैयार कर निदेशालय से दिशा निर्देश जारी कर दिए गए थे, लेकिन मॉड्यूल में फील्ड से प्राप्त फीडबैक के आधार पर तकनीकी समस्याओं का समाधान करके फिर से जारी कर दिया गया है। पूर्व में मॉड्यूल में किए गए समस्त आवेदनों का डेटा हटा दिया गया है। अब ACP और स्थायीकरण के समस्त प्रकरणों में ऑनलाइन आवेदन करना होगा। माध्यमिक शिक्षा निदेशक सौरभ सोनी ने बताया कि इससे कार्मिकों की सेवा संबंधी कार्यों का शीघ्र समाधान हो सकेगा और विभागीय अधिकारियों द्वारा कार्य प्रगति की आसानी से ट्रैकिंग भी की जा सकेगी। इसके संबंध में दोस्तों आवेदन कैसे करना है मैंने पर्टिकुलर अलग से एक वीडियो बना रखा है, आप वो वीडियो इस वीडियो के लास्ट में जो स्क्रीन मिलेगी उसके ऊपर क्लिक करके जान पाएंगे। RTE निजी स्कूलें अब पहली क्लास में ही देगी प्रवेश। प्री प्राइमरी में घटेंगे हजारों बच्चे। नए सत्र में नियमों के बदलाव के चलते प्री प्राइमरी कक्षाएं और RTE के दायरे में हो गई है बाहर। शिक्षा का अधिकार कानून RTE के नियमों के तहत इस बार बड़ा बदलाव हुआ है। नए सत्र से निजी स्कूलों की प्री प्राइमरी कक्षाएं हैं वो RTE के दायरे से बाहर हो गई है। अब निजी स्कूलों में केवल फर्स्ट क्लास से ही निःशुल्क प्रवेश मिलेगा। इस वजह से RTE में कुल सीटों की संख्या 20 साल घटकर आधी रह सकती है। पिछले साल प्री प्राइमरी और प्राइमरी में प्रवेश दिया जाता था, करीब 400,000 सीटें थी। सत्र 2020-21 के लिए इस बार सिर्फ पहली क्लास से ही प्रवेश देने की बाध्यता है, यानी प्री प्राइमरी में तकरीबन हजारों बच्चे RTE नियम के तहत नहीं पढ़ पाएंगे। नए सत्र की जारी गाइडलाइन के मुताबिक प्रवेश के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया हो चुकी है। 30 जुलाई को लॉटरी निकाली जाएगी। निकायों को में इस बार हुई वार्डों की बढ़ोतरी को लेकर सरकार ने पेरेंट्स को राहत देते हुए पिछले सालों के वार्डों को ही कैचमेंट एरिया माना है। पहली क्लास के लिए ऑनलाइन आवेदन के समय विद्यार्थी की आयु 5 से 7 वर्ष तय की गई है। अधिकतम और न्यूनतम आयु की गणना 31 मार्च 2020 के आधार पर की जाएगी। बात करें अगली खबर की तो मोदी सरकार का नया तोहफा है रिटायरमेंट होने वाले कर्मचारियों की सबसे बड़ी चिंता हुई खत्म। रिटायरमेंट के बाद समस्या का हुआ निदान। सरकारी कर्मचारियों की सबसे बड़ी चिंता रिटायरमेंट के बाद पेंशन पाने की होती है। पेंशन शुरू करवाने के लिए इन कर्मचारियों को कई बार सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटना होता। मोदी सरकार ने कोरोना वायरस महामारी के दौरान रिटायर्ड हो रहे कर्मचारियों के लिए एक शानदार पहल की है। अब केंद्रीय कर्मचारियों को रिटायरमेंट के बाद बिना किसी भागदौड़ के पेंशन मिलना शुरू हो जाएगी। केंद्र सरकार ने शुरू की अस्थायी पेंशन योजना। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने सोमवार को कहा है कि COVID-19 महामारी के दौरान रिटायरमेंट होने वाले केंद्र सरकार के कर्मचारियों को नियमित पेंशन भुगतान आदेश जारी होने और अन्य औपचारिकताएं पूरी होने तक अस्थायी पेंशन राशि मिलेगी। उन्होंने कहा है कि महामारी और लॉकडाउन के निर्णय देखते हुए यह निर्णय लिया गया है। सरकारी कर्मचारियों को मुख्य कार्यालय में पेंशन जमा फॉर्म जमा करने में कठिनाई हो सकती है या हो सकता है कि वे सर्विस बुक के साथ दावा फॉर्म भौतिक रूप से संबंधित वेतन और लेखा कार्यालय में जमा करवाने की स्थिति में न हो। खासकर दोनों कार्यालय अलग अलग शहरों में स्थित हो तो यह समस्या और भी बढ़ जाती है। कार्मिक जन शिकायत और पेंशन मामलों के मंत्री सिंह ने यह कहा कि यह केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के लिए उपयुक्त है जो निरंतर एक शहर से दूसरे शहर जाते हैं और जिनके मुख्य कार्यालय वेतन और लेखा कार्यालय वाले स्थान दूसरे शहरों में स्थित होता है। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार के सत्ता में आने के बाद पेंशन और वेतन भोगी कल्याण विभाग को नया रूप दिया गया है। उस रूप में तैयार किया गया है जिसे वो संबंधित कर्मचारी को बिना विलंब के रिटायरमेंट के दिन ही से ही APPO दे सके। सुप्रीम कोर्ट की अगली सुनवाई 31 को अंतिम वर्ष की परीक्षा कराने पर जवाब दे UGC। सुप्रीम कोर्ट ने UGC के उन दिशा निर्देशों की चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई 31 जुलाई के लिए स्थगित कर दी है, जिसमें विश्वविद्यालयों के लिए अंतिम वर्ष की परीक्षाएं 30 जून तक कराना अनिवार्य किया गया है। जस्टिस अशोक भूषण, जस्टिस सुभाष रेड्डी और जस्टिस BR गोई की पीठ ने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता को निर्देश दिया कि वे 29 जुलाई तक विश्वविद्यालय अनुदान आयोग UGC का याचिकाओं का जवाब दाखिल करें। कोर्ट ने कहा कि याचिकाकर्ताओं 30 जुलाई तक जवाब देने के लिए स्वतंत्र है।
छात्रों की परीक्षाएं रद्द करने की मांग। इकतीस छात्रों की ओर से पेश अधिवक्ता अलख आलोक श्रीवास्तव ने एक दिन में ही कोरोना के 50,000 से अधिक मामलों को उजागर करते हुए न्यायालय के दिशा निर्देशों पर रोक लगाने का आग्रह किया है। ये याचिकाएं परीक्षा रद्द करने की मांग को लेकर दायर की गई है। केंद्र सरकार की गाइडलाइन के बाद खुलेंगे स्कूल। प्रदेश के साथ ही देश भर में स्कूल केंद्र सरकार की दिशा निर्देश और गाइडलाइन के बाद ही आने के बाद ही खुलेंगे। अभी सरकार गाइडलाइन बनाने पर काम कर रही है, वहीं राज्य सरकार भी अपनी गाइडलाइन बना रही है। शिक्षा राज्य मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा है कि हम केंद्र सरकार का से आग्रह करेंगे कि स्कूल खोलने को लेकर राज्य सरकार के निर्णय छोड़े, जिससे कि कोरोना की परिस्थितियों पर राज्य सरकार अपना निर्णय ले सके। सुविधाओं के अनुसार फीस। प्रदेश के जिन स्कूलों में ऑनलाइन पढ़ाई सहित अन्य सुविधाएं हैं तो वो ऑनलाइन पढ़ाई करवा रहे हैं तो वे अपना चार्ज भी अभिभावकों से लेंगे। शिक्षा मंत्री ने कहा है कि फीस को लेकर निजी स्कूल अभिभावकों बच्चों पर दबाव नहीं बना सकेंगे। साथ ही कोरोना काल में लौटे प्रवासियों के बच्चों को सरकारी स्कूलों में फ्री पढ़ाया जाएगा। प्री प्राइमरी में नहीं मिलेगा आरटी में प्रवेश। प्री प्राइमरी से कक्षा 12 तक के लिए राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद करेगी कार्य। गोविंद सिंह डोटासरा की अध्यक्षता में आयोजित उच्च स्तरीय बैठक में लिया गया है निर्णय। राजस्थान में प्री प्राइमरी से कक्षा 12 तक के समेकित विकास के लिए अब राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद कार्य करेगी। राजस्थान काउंसिल ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन एंड राजस्थान काउंसिल ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन को एकीकृत करते हुए इसके स्थान पर राजस्थान काउंसिल ऑफ स्कूल एजुकेशन का गठन किया गया है। शाला दर्पण पर ऑनलाइन मॉड्यूल की हुई शुरुआत। स्टूडेंट विंडो टॉक टू टीचर इंटरफेस तथा NICCI चैट बोर्ड का हुआ है लोकार्पण। शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा ने मंगलवार को शिक्षा संकुल स्थित सभागार में विद्यार्थियों के प्रश्नों और जिज्ञासाओं को त्वरित ऑनलाइन समाधान के लिए शाला दर्पण पर स्टूडेंट विंडो के रूप में टॉक टू टीचर इंटरफेस, शिक्षकों की प्रतिवेदनाओं, स्थानांतरण आदेश आदि से संबंधित ट्रैकिंग सिस्टम, स्टार विंडो के विस्तार और NICCI चैट बोर्ड की ऑनलाइन शुरुआत की है। डोटासरा ने बताया कि शिक्षा विभाग में शाला दर्पण प्रारंभ इस ऑनलाइन व्यवस्था से विद्यार्थियों, शिक्षकों और आम जन को शिक्षा विभाग से संबंधित सूचना और ज्ञान का वृद्ध स्तर पर लाभ मिल सकेगा। उन्होंने बताया कि शाला दर्पण पोर्टल पर प्रारंभ स्टूडेंट विंडो पर विद्यार्थी किसी भी विशेषज्ञ शिक्षक से लिखित ऑनलाइन संवाद कर अपनी पढ़ाई संबंधी समस्याओं का समाधान और अपने जिले के इस विषय में संबंधित विशेष विशेषज्ञ से उत्तर प्राप्त कर सकेंगे। उन्होंने बताया कि संवाद से प्राप्त उत्तर से अन्य विद्यार्थी भी लाभान्वित हो सकेंगे। इसके साथ ही विद्यार्थी उत्तर प्राप्त भी कर प्राप्त उत्तर के आधार पर समाधान के संबंध में रेटिंग भी दे सकेंगे। डोटासरा ने बताया कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा बजट घोषणा के अनुपालन में शाला दर्पण पोर्टल पर शिक्षकों के सेवा संबंधी प्रकरणों, स्थानांतरण परिवेदनाओं, प्रार्थनाओं, परिवेदनाओं के निस्तारण के लिए स्टाफ विंडो अगस्त 2019 से ही प्रारंभ कर दी गई थी। इसमें अब तक कुल 3,90,000 कार्मिक पंजीकृत हो चुके हैं। इसी स्टाफ विंडो को और अधिक विकसित करते हुए शिक्षकों की सेवा संबंधी व्यक्तिगत परिवेदनाओं और यथा नियमितीकरण, स्थायीकरण, ACP, पेंशन, SI व GPF, वेतन स्थायीकरण, बकाया वेतन, एरियर, पदोन्नति, पात्रता, वरिष्ठता सूची, ACR, अवकाश स्वीकृति, प्रशिक्षण, कार्यस्थल उत्पीड़न आदि के आवेदन और निस्तारण ट्रैकिंग के लिए शाला दर्पण NICCI टीम द्वारा निर्मित ऑनलाइन मॉड्यूल विकसित किया गया है। इसी तरह शाला दर्पण पोर्टल के उपयोग के विभिन्न बिंदुओं और समस्याओं के बारे में त्वरित ऑटोमेटेड जानकारी और समाधान उपलब्ध करवाने के लिए NICCI द्वारा पोर्टल पर एडवांस तकनीकी युक्त चैटबोर्ड निक्की की शुरुआत की गई है। उपयोगकर्ता द्वारा चैटबोर्ड पर प्रश्न डालते हैं, उसका उत्तर वहां पर प्रस्तुत हो जाएगा। इच्छुक व्यक्ति बोलकर और टाइप कर बिना मानवीय हस्तक्षेप के बिंदु पर वांछित सूचना की जानकारी ले सकेंगे। इसी स्टाफ विंडो से संबंधित दोस्तों कुछ पिक्चरें हमारे सामने शेयर की गई है, जो मैं आपको भी दिखा देता हूँ, जो स्टूडेंट विंडो के लिए ग्रुप में हमारे साथ साझा होगी। जहाँ लिखा है कि वेलकम टू शाला दर्पण, जहाँ स्टूडेंट विंडो यानी और स्टूडेंट विंडो NICCI चैट बोर्ड की शुरुआत की गई है। इसके बारे में विस्तार से अलग से वीडियो मैं बनाऊंगा, उसमें आपको बता दूंगा। जहाँ पे गोविंद सिंह डोटासरा का एक पिक्चर दिया गया है, श्री गोविंद सिंह जी डोटासरा अंडर इंटीग्रेटेड शाला दर्पण पोर्टल, जहाँ NCCI चैट बोर्ड है, स्टाफ ग्रीवेंस विंडो है, ये शाला दर्पण का एक स्टूडेंट विंडो है जहाँ वो प्रश्न डालकर प्रश्न पूछ सकते हैं और जहाँ तुरंत जवाब लॉन्च होगा। शाला दर्पण पर दोस्तों बताई गई ये विंडो कहाँ पर है, कैसे काम करते हैं, स्टाफ विंडो का समस्या समाधान कैसे होगा स्टाफ विंडो में, और स्टूडेंट चैटबोर्ड का उपयोग कैसे करना है, इसके बारे में दोस्तों मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें आपको विस्तार से बताऊंगा। आज के इस वीडियो में इतना ही, लेकर आएंगे आपके लिए एक और वीडियो, तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो को जरूर लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, पास में आने वाले ये घंटी के बटन को जरूर दबाएं एजुकेशन संबंधी न्यूज़ तुरंत पाने के लिए।